इंदौर में राला मंडल में गुरुवार सुबह लिंबोदी स्थित रहवासी क्षेत्र में तेंदुआ घुस गया। इस वन विभाग और चिड़ियाघर की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। दरअसल बुधवार को खंडवा रोड स्थित एक फार्म हाउस में तेंदुए की आमद हुई थी। वयस्क और खूंखार तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की रेस्क्यू टीम और चिड़ियाघर की टीम ने हर संभव प्रयास किया। रात के समय भी पिंजरा लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान आज यानी गुरुवार सुबह तेंदुए ने लिंबोदी स्थित रहवासी क्षेत्र की ओर रुख किया। इस दौरान तेंदुए ने रहवासी पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला घायल हो गई। इसके बाद तेंदुए ने रेस्क्यू टीम के सदस्य पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया। मुख्य वन संरक्षक HS मोहंता ने बताया कि गुरुवार सुबह आबादी क्षेत्र में तेंदुआ आ गया था। इस दौरान घर में अपनी बच्ची के साथ मौजूद महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिसमें वह घायल हो गई। वहीं रेस्क्यू के दौरान एक कर्मचारी भी घायल हुआ है। वन विभाग के अमले के साथ ही राला मंडल और जू के डॉक्टर और कर्मचारियों की मशक्कत के बाद तेंदुआ पकड़ में आया, जिसे बाद में जू लाया गया। मोहंता के अनुसार तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और स्वस्थ पाए जाने पर उसे वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। इंदौर से देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। सर, रेस्क्यू किया गया है? आबादी क्षेत्र में तेंदुआ एक आ गया था, लगभग 9 बजे की सूचना है, जहाँ पर एक महिला घर में थे बच्चे के साथ, और उस दौरान की घटना है। फिर महिला थोड़ा उस दौरान घायल भी हो गई है। वन विभाग को जैसे कि सूचना आई, तो फिर सूचना के आधार पर वहां पर जगह पर पहुंचे और पहुँच कर तेंदुआ को फिर रेस्क्यू किए। पूरा ऑपरेशन में लगभग 4 से 5 घंटा करीब लगा। कितने लोग घायल हुए? नहीं, इसमें एक हमारा जो कर्मचारी है और एक जो महिला है, वही दो घायल हैं। कितनी दिन लगी पूरे पकड़ने में? इसमें पूरा जैसे कि हमारा वन विभाग का पूरा अमला है, जू के सभी डॉक्टर्स, उनके टीम है, NGOs हैं इंदौर के, और राला मंडल सेंचुरी के पूरा स्टाफ है, ये सभी स्टाफ इस पर लगे हैं। ये तो क्योंकि इंदौर के आसपास हमारा ये वन क्षेत्र है ही, तो वन क्षेत्र से कहीं ऐसे भूले भटके किसी वो शिकार के तलाश में इस तरफ आ गया हो, और आबादी क्षेत्र में आने के बाद कहीं ना कहीं वो रास्ता भटक गया है, तो एक ही घर में वो घुसने के लिए प्रयास किए। सर, देखा गया कि 2 दिन हो गए हैं इसको तेंदुओं पकड़ने में, पड़ रही है, तो क्या मशक्कत करना पड़ी पकड़ने में? हाँ, 2 दिन तो नहीं, मतलब कल का और आज का दिन, तो 24 घंटे के अंदर की बात है ये। तो कल तो एक, क्योंकि पूरा बहुत बड़े खुले क्षेत्र में तो फार्म हाउस में घुस गया था, तो वहाँ पर तो पकड़ना मुश्किल ही था, तो इसलिए हम लोग रात को ट्रैप केज लगाए थे, उसमें एक बेट भी बांधे थे, बकरा बांधे थे। उम्मीद यही था कि यदि रात को यदि तेंदुआ फंस जाए उसमें, तो हम उसको कैप्चर कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, तो सुबह एक आबादी क्षेत्र में आके वो फंस गए थे। सर, क्या मादा है या ये नर है? सर, इसको अपने बेहोश करने में कितने वो लगे? ना, बेहोश करने में हमारी जो दवाई है वो दवाई लगाते हैं, डॉक्टर साहब दवाई लगाते हैं उसमें, तो बेहोश होने के बाद लगभग ऑपरेशन जो है 20-22 मिनट तक लगता है बेहोश होने में। बेहोश हो जाने के बाद फिर अपने आप को समय के साथ एक ही शॉट में हो गया। आगे क्या किया जाएगा? अभी आगे उसको हम एग्जामिन करेंगे और उसका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, यदि स्वस्थ पाया जाता है तो फिर हम पुनः वन क्षेत्र में छोड़ देंगे। आपका नाम? मैं मोहनता हूँ, मुख्य वन संरक्षक इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।